दुतरुआ के आधे में नहीं बिठाने लग के ना हवा जाए लेकिन के काई हम ना जानी हम मुड़ना मुड़नवा में काई मुड़नवा ता दाही मीठा माथो में इसे चटवा में लाग के तने हवा जाए त ले थी ने ताही अब आज नहीं लाग के कि घर में है हां घर ही है ने हवा हेलो इसको भेजिए इसको मम्मी लगाएंगे देखिए दोस्तों अब पीहू का बाल कटाया जा रहा चारों कोई के सब जाने देखे मुंडन करावे ला उनका परों का तो ना दिया नहाएगा ना उनका परों ना कपड़े लेकिन चारों चोटियां खुल खुल के बैठा देखिए दोस्तों हम लोग घर आ गए हैं देखिए बाबू सो रहा बेड पे सुला दिए हैं देखिए इधर बाबू की मम्मी है इधर बाबू की दादी है हम लोग बहुत ज़्यादा थक गए हैं नदी से आते आते बहुत भीड़ था ठीक है बने रहिएगा वीडियो में दिखाएंगे देखिए दोस्तों बाबू घर आ गया बाबू का जो जट है वो घर पे कट रहा देखिए दोस्तों बाबू का बाल कटा गया देखिए दोस्तों बाबू का बाल कटा गया है ऊंचा तो अच्छा कटा गया है देखिए दोस्तों शाम के अभी 3 बज रहे हैं बाबू का दवा का टाइम हो गया देखिए बाबू की मम्मी बाबू का दवा पिला रही है देखिए बाबू दवा पी रहा है फिर दवा पीते पीते अपना मुंह बंद कर लेता है एक बूंद जाता है तो मुंह बंद कर लेता है देखिए दवा पी लिया कैसे कर रहा है देखिए बाबू का तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है दोस्तों इसका खांसी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है हम लोग डॉक्टर से बात किए हैं तो वो फिर से कुछ नया दवा का नाम बताए हैं नहीं ठंडा नहीं दो ठंडा नहीं दो बाबू को पानी देते हैं वो गर्म करके हम लोग पानी देते हैं ठंडा पानी नहीं देते हैं देखो तुम्हारे लिए क्या लाए हैं
क्या मंगवाना है? बाबू लेंगे ओके, तुम नानी घर पे पीना इसको। देखिए बाबू पीते जाना, बाबू कल नानी घर चल जाएगा नानी से मिलने के लिए। बाबू की नानी का बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, इसलिए बाबू और उसकी मम्मी जा रही है नानी घर। बाबू का मेरा छुट्टी नहीं है तो हम नहीं जा पाएंगे, मेरा काम है, इलेक्शन का टाइम है, बहुत ज़्यादा भीड़ चल रहा है। इधर छठ था जिसमें हम लोग दो दिन ज़बरदस्ती छुट्टी ले लिए, छुट्टी नहीं मिला था फिर भी छुट्टी ले लिए दो दिन। आप लोग सब दुआ कीजिए दोस्तों कि मेरा बाबू का तबीयत ठीक हो जाए, पहले जैसा एकदम खाना पीना चालू कर दे। हम तो अपना तरफ से पूरा कोशिश कर रहे हैं एकदम, अब सब कुछ जो हमसे पॉसिबल होगा वो हम कर रहे हैं, दवा दुआ सब कर रहे हैं। आप लोग बस बाबू का साथ देते रहिए, मेरा बच्चा बस जल्द से जल्द ठीक हो जाए, ये अपने पैरों पर दौड़ने लगे, खेलने लगे। देख रहे कैसे कर रहा है, देख रहे इसका तबीयत ठीक नहीं है, कैसे कर रहा है? अगर तबीयत ठीक रहता तो अच्छा से खेलता, इसका जब वीडियो बनता है ना तो ये समझ जाता कि मेरा वीडियो बन रहा है, अच्छा से ही रिएक्ट करता। लेकिन अभी है जो तबीयत ठीक नहीं होने के कारण ये मतलब इसको खुद चिड़चिड़ापन सा हो गया है। इसको आज हम लोग ले गए थे नदी पर, तो देखिएगा वीडियो में है। देखिए दोस्तों रात के 11 बज चुके हैं, अब बाबू को सुलाने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं। बाबू रो रहा है, सो नहीं पा रहा, तबीयत कुछ खास ठीक नहीं है। आज छठ का अंतिम दिन था, सुबह का अर्घ था जो हम लोग पूजा करके आ गए हैं, और बाकी हम लोग फिर आकर सो गए थे, खाना वाना खाए हैं, अब फिर उठे हैं तो रात हो गया है। बाबू को हम लोग जा रहे हैं सुलाने के लिए, उसकी मम्मी टहला रही है गोद में लेकर के, उसको बेड पे रख रहे हैं तो रोने लग रहा है। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को यही एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग बाबू का वीडियो पूरा देखिएगा, शेयर कीजिएगा और दुआ दीजिएगा कि मेरा बाबू जल्द से जल्द ठीक हो जाए। थैंक यू दोस्तों वेरी मच एंड गुड नाइट, और प्लीज़ प्रे कीजिएगा मेरे बाबू के लिए।